दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से हटाकर रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस का कप्तान बनाया जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच के दौरान एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ा है। संजू सैमसन की स्पेल और हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से एक बार फिर से मुंबई इंडियंस को ये लगातार तीसरी बार हार दर्ज कर लिया है। आखिरकार इस मैच के दौरान संजू सैमसन की स्पेल ने कैसे हार्दिक पांड्या की सेना पर पूरी तरह से हावी रहा आपको कंप्लीट उसकी वीडियो दिखाने जाना, साथ ही इस मैच में गेंदबाजी और बल्लेबाजी को पूरी हाईलाइट भी आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में कौन एक बेहतर कप्तान है, नीचे कमेंट बना रहा है जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी ने एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार अपना हार दर्ज कर चुका है। सभी फैंस यही कयास लगाया जा रहा था कि मुंबई इंडियंस के ये होम ग्राउंड पर वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में अपने जीत का स्वाद चखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पूरी तरह से मुंबई इंडियंस के ऊपर हावी रहा। आपको बताते हैं कि संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और यह फैसला उनके लिए बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने इस तरह से गेंदबाजी कर दिया कि एमआई के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। इस मैच के दौरान रोहित शर्मा 0 पर, नमनदीन 0 पर और इसके बाद डेवल्ड ब्रेविस भी 0 पर आउट हो गया था और यहाँ से टॉप ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गया था। हालांकि इस मैच के दौरान ईशान किशन ने एक अच्छा पारी खेला जिसमें से एक छक्के और दो चौके की मदद से 14 गेंदों में केवल 16 रन ही का स्कोर खड़ा कर पाया, जो कि देखा जाए तो ईशान किशन के लिए पारी अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत नहीं था। अब यहाँ से मुंबई इंडियंस के लिए मिडिल ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज थे उनके सारे बल्लेबाजी को लेकर जिम्मेदारी बढ़ गया था, क्योंकि अपने टीम के लिए अच्छा खासा स्कोर दिलाना था। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जिस तरह से गेंदबाजी हो रहा था ऐसे में लग नहीं रहा था कि एमआई की टीम एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर पाएगा। आपको बता दें कि इस मैच के दौरान तिलक वर्मा 32 रन बनाए तो वही हार्दिक पांड्या ने 34 रन बनाए और इसके बाद टीम डेविड 17 रन बनाए और बाकी जितने भी बल्लेबाज थे वो कोई 10 रन के आंकड़ा कभी नहीं छू पाया और यहाँ से मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने 9 विकेट के नुकसान पर 125 रन का स्कोर खड़ा कर पाया, जो कि देखा जाए तो आईपीएल 2024 में अब तक की सबसे लोएस्ट स्कोर है और राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत के लिए कोई बड़ा टारगेट नहीं था। जवाब में जब राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजी शुरुआत हुई तो उस समय एसी जसवाल 10 रन बनाकर आउट हो गए तो वही जॉस बटलर 13 रन बनाकर आउट हो गया और पहले से ही मुंबई इंडियंस के जितने भी गेंदबाज थे और राजस्थान रॉयल्स के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद संजू सैमसन भी अपनी टीम के लिए अच्छा खासा स्कोर नहीं कर पाए और महज 12 रन बनाकर आउट हो गए और लगातार 3 बड़े बड़े विकेट जाने की वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो चुका था। अब दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से राजस्थान रॉयल्स के लिए जीत के लिए एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी, जो कि रियान पराग और रविचंद्र अश्विन ने पूरा कर दिया, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा नहीं था, बस किसी तरह से क्रीज पर जमकर एक अच्छा खासा रन बनाने का था। इस मैच के दौरान रियान पराग ने रविचंद्र अश्विन के साथ 40 रन के सबसे बढ़िया साझेदारी किया, लेकिन यहाँ अश्विन भी 16 रन के स्कोर पर आउट हो गया। अब यहाँ रियान पराग के साथ देने के लिए आते हैं शुभम दुबे और उनके साथ भी 39 रन के बढ़िया पारी खेली, जिसकी वजह से रियान पराग के 54 रन के सबसे बेहतरीन पारी की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने ये मुकाबले को 16 ओवर में ही जीत लिया। वैसे दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि मुंबई इंडियंस के लिए हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, नीचे कमेंट अपना राय जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।